हाइड्रोपोनिक का मतलब ये है कि हम पानी में क्रॉप को कल्टीवेट करेंगे. देर इज ओनली वाटर है ना, रूट्स दे आर समर्ज इन द वाटर. डेफिनेटली अगर हम ट्रेडिशनल वे में काम करें तो हमारे और ट्रेडिशनल फार्मर्स में कोई फर्क नहीं है. तो अभी गर्मी में क्या रहता है कि स्कॉर्चिंग हीट जब अंदर आती है तो प्लांट्स को वो अच्छा वो चीज़ नहीं है. तो 50% अगर 50% या 70% के शेड नेट्स आते हैं तो हम किसी भी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उनको मतलब धूप से बचा सकते हैं. सीजनल अगर स्ट्रॉबेरी कल्टीवेशन करनी है तो हमारा जो ये एक क्षेत्र है ऊना जिला जो है तो यहाँ 15 सितंबर के बाद हम स्ट्रॉबेरी की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं फील्ड क्रॉप्स में. कुछ वैरायटीज़ होती हैं छोटे फ्रूट देती हैं. अगर प्लांट हेल्थ छोटी है, प्लांट हेल्थ थोड़ी अभी कम है तो उसके ऊपर भी फ्रूट साइज डिपेंड करता है. जनरली इसका फ्रूट जो साइज़ है वो मीडियम या बिगर साइज का फ्रूट रहता है. नमस्कार, मेरा फार्म हाउस चैनल में आप सबका स्वागत है. तो आज हम जहाँ खड़े हैं वो हिमाचल प्रदेश के ऊना ज़िला से हम आपसे बात कर रहे हैं. हमने आपको बहुत से फार्मर से पहले भी मिलवाया होगा लेकिन आज मैं आपको वेल एडुकेटेड इंसान से मिलाने जा रही हूँ जो सिर्फ अपना खुद का फार्म ही नहीं देखते हैं. बच्चे उनके पास बहुत दूर दूर से यूनिवर्सिटीज़ में से आते हैं ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए, जहाँ पे वो उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं कि उन्हें आगे जाकर कल्टीवेशन और फार्मिंग में वो कैसे अपने आप को आगे अच्छे बिजनेसमैन देखते हैं फार्मिंग में ही. तो आइए मिलाते हैं हम आपको मिस्टर यूसुफ खान से. नमस्कार सर. नमस्कार मैडम. सर आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू सर. मैं आज बहुत कीन हूँ एंड आई एम वेरी लकी कि मैं आपको यहाँ मिल रही हूँ क्योंकि मैं काफ़ी सारे लोगों से मिली हूँ लेकिन इतने एजुकेटेड फार्मर से मेरा पहला एक्सपीरियंस है आपसे मिलने का आज का. थैंक यू वेरी मच. हमारा भी सौभाग्य है कि आप लोग यहाँ पे आए. आपका स्वागत है. थैंक यू वेरी मच सर. सर मैं जानना चाहती हूँ कि आपका आइडिया कहाँ से आया आपको, इतने आपने फार्म से शुरू किया उसके बाद ट्रेनिंग सेंटर एंड ऑल. देखिए मेरी जो एजुकेशन है वो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हूँ. मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ एग्रीकल्चर में. तो डेफिनेटली अगर हम ट्रेडिशनल वे में काम करें तो हमारे और ट्रेडिशनल फार्मर्स में कोई फ़र्क नहीं है. तो हम एग्रीकल्चर में जो हमने पढ़ा है अगर उसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें, एग्जीक्यूट करें और पता चले कि कमर्शियल एग्रीकल्चर क्या होता है तो हम साइंटिफिक वे से करेंगे तभी फ़ायदेमंद रहेगा. राइट सर. तो आज हम जहाँ पे हैं बेसिकली इट्स हाइड्रोपोनिक्स राइट. सो उसमें आपके यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि स्पिनच है और स्ट्रॉबेरी है. तो बेसिकली अगर हम स्ट्रॉबेरी की बात करें तो कैसे इनका टाइम रहता है, कैसे इनका सीड वगैरह, आप उसके बारे में प्लीज़ थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे हमें. देखिए सीजनल अगर स्ट्रॉबेरी कल्टीवेशन करनी है तो हमारा जो ये एक क्षेत्र है ऊना जिला जो है तो यहाँ 15 सितंबर के बाद हम स्ट्रॉबेरी की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं फील्ड क्रॉप्स में. लेकिन कुछ वैरायटीज़ होती हैं जो लेट वैरायटीज़ होती हैं. तो वैरायटी जो हमने यहाँ पे चूज़ की है ये थोड़ा लेट वैरायटी है. इसको हम नवंबर एंड तक भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं जी. और ये फ्रूट देती रहती है आपको जून तक. तो कई जगह इसे जून बेरिंग वैरायटी भी बोला जाता है. तो मतलब हमने इसको नवंबर में ट्रांसप्लांट किया था. अभी प्लांट्स छोटे हैं, इससे पहले सर्दी में थोड़ी ग्रोथ कम हुई थी. तो अभी मौसम थोड़ा खुला है, यू कैन सी इसमें फ्लावरिंग हो रही है, प्लांट्स की ग्रोथ बढ़ रही है और फ्रूटिंग भी आ रही है. तो सर जो इसका बेसिक साइज रहता है क्या वो ऐसा ही होता है इससे बड़ा? तो ऐसे है जो नॉर्मल साइज रहता है, ये तो नॉर्मल साइज है. ये कुछ वैरायटीज होती हैं छोटे फ्रूट देती हैं. अगर प्लांट हेल्थ छोटी है, प्लांट हेल्थ थोड़ी अभी कम है तो उसके ऊपर भी फ्रूट साइज डिपेंड करता है. जनरली इसका फ्रूट जो साइज है वो मीडियम या बिगर साइज का फ्रूट रहता है. राइट जी. तो जब मार्केट तक ये जाता है तो क्या प्राइसिंग रहता है और क्या प्रॉफिट शेयरिंग रहता है इसमें? आज की डेट में जो इसका मार्केट जो प्राइस है जो रिटेल में वो करीब 100 रुपये का जो 200 ग्राम का एक पैक है वो रिटेल में बिकता है. तो आप देख लीजिए रिटेल में अगर 500 रुपये किलो तो होलसेल में अगर हम 350-400 भी बेचें इट्स हाईली बेनिफिशियल. एंड सर जो इसका सीड्स होता है ये कैसे आप करते हैं? जैसे आई कैन सी थर्माकोल ओवर हियर एंड नीचे उसके पानी है. हाँ, so, तो इसमें ऐसे है कि इसमें हाइड्रोपोनिक का मतलब ये है कि हम पानी में क्रॉप को कल्टीवेट करेंगे. आप देखेंगे तो देखिए रूट नेटवर्क, इसमें देर इज ओनली वाटर है ना, रूट्स दे आर समर्ज इन द वाटर. पानी में जो जड़ें हैं वो पानी में रहेंगी, हमेशा रहेंगी और इसी पानी में से वो न्यूट्रिएंट लेंगे. आप देखेंगे तो ये पानी सिर्फ साफ पानी दिखेगा आपको है ना. अगर इसमें थोड़ा बहुत कलर है तो दिस इज बिकॉज ऑफ न्यूट्रिएंट. जो हम न्यूट्रिएंट डालते हैं उसके कलर की वजह से इसका कलर
हो जाता है पानी का। बेसिकली इसमें फर्टिलाइजर्स एंड ऑल कुछ नहीं यूज होते हैं सर? हाँ नहीं, पानी में जो न्यूट्रिएंट डालेंगे हम, दे आर काइंड ऑफ फर्टिलाइजर्स यू कैन से। पौधों के लिए 17 एलिमेंट्स जिनको हम एसेंशियल एलिमेंट्स या न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, वो सारे इसमें डालेंगे तभी आपकी फसल तैयार होगी। और हमारे पास उसका एक स्पेशल फार्मूलेशन है, उसके बेस के ऊपर हम इसमें न्यूट्रिशन डालते हैं। हर एक प्लांट की रिक्वायरमेंट जो अलग रहती है, किसी को कम न्यूट्रिएंट चाहिए, किसी को ज़्यादा चाहिए, स्पाइनिच की और रिक्वायरमेंट होगी, टोमेटो की और होगी, कुकुम्बर की और होगी, स्ट्रॉबेरी की और होगी। तो ये सब चीज़ों को हम धीरे धीरे स्टैंडर्डाइज करते रहते हैं बीच बीच में, ताकि पता रहे कि किस क्रॉप कैसे बिहेव करती है, कैसे न्यूट्रिएंट को ये अपटेक करती रहती है। तो सर ये जो सीड है जो अभी हम देख रहे हैं फ्लावरिंग पॉइंट पे है ये, तो ये कितने टाइम में ये रेडी हुआ है इतना होके? ये जो सीडलिंग्स हैं, ये सीडलिंग्स बोलेंगे इसको, या पौधे जो स्ट्रॉबेरी के हैं, तो मैंने बताया कि नवंबर एंड में हमने इसे ट्रांसप्लांट किया है। तो आज की डेट में आप देखेंगे करीब ये 2.25 महीने या 2.5 महीने का पौधा है ये। बट नॉर्मली मैंने इतनी ग्रोथ देखी नहीं है, मैंने अगर पहले भी अगर फार्मिंग में मैंने चेक किया हो, तो क्या राज है इनके इस साइज का? बेसिकली आई वांट टू नो दैट, मुझे यही जानना है। बस राज वही है जो न्यूट्रिशन हम इसको दे रहे हैं, वो मतलब इनके लिए जिसे हम कहते हैं प्रिसाइज वे में देते हैं, जो इसकी रिक्वायरमेंट है अगर हम वो देंगे तो ये हमें भी हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ्रूट देगा। सो दैट इज द फंडामेंटल थिंग। सो बेसिकली ये जो सेटअप है सारा, व्हाट डू वी कॉल इट? ऐसे है कि इसको तो हम बोलते हैं पॉली हाउस, और ये जो ग्रीन नेट आपको दिख रहे हैं इनको बोलते हैं शेड नेट, है ना। तो अभी गर्मी में क्या रहता है कि स्कॉर्चिंग हीट जब अंदर आती है तो प्लांट्स को वो अच्छा वो चीज़ नहीं है। तो अगर हमने सेव करना है उसे, तो 50% अगर 50% या 70% या 75% या 25% के शेड नेट्स आते हैं, तो हम किसी भी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उनको मतलब धूप से बचा सकते हैं। तो सर इसमें इन्वेस्टमेंट कितना रहता है अगर ये पूरे का पूरा पॉली हाउस अरेंज करना हो हमने? तो अलग अलग ऐसे है, ये जो ग्रीन हाउस है ये है 560 स्क्वायर मीटर का, यानी 28 मीटर लंबा है और 20 मीटर चौड़ा है। तो जब हमने लगवाया था तो इसकी जो कॉस्ट थी वो करीब 8.5 लाख रुपये थी सिर्फ पॉली हाउस के। बाकी सिस्टम जो है ये हाइड्रोपोनिक्स, इट इज़ सेपरेट, तो वो अलग चीज़ है। तो आज की डेट में लगाना है तो हर कॉस्ट बढ़ गई है, ये करीब 10-10.5 लाख के आसपास बनेगा, क्योंकि ये महंगा इस करके है इसमें फ़ैन पैड सिस्टम लगा है। आप देखेंगे पंखे लगे हुए हैं, और गर्मियों में अगर हम चाहें तो इनको चला सकते हैं। दे कैन ब्रिंग द टेम्परेचर डाउन टू 26 डिग्री या 28 डिग्री सेल्सियस। तो अगर सर हमारे किसान भाइयों ने ये सेम सेटअप करना हो और वो हाइड्रोपोनिक्स में ही जाना चाहते हों, तो आप क्या सजेशन देंगे उन्हें? देखिए लोगों को शुरू में लगता है कि जिस तरह से हम हाइड्रोपोनिक्स करते हैं तो उसके लिए ज़्यादा पानी चाहिए जी। लेकिन एक बात बताना चाहूँगा उन लोगों के लिए जिनकी सोच ये है कि इसको ज़्यादा पानी चाहिए हमारी फील्ड क्रॉप्स के कंपैरिजन में, तो इसको उसके मुकाबले में सिर्फ 10% पानी चाहिए जी। अगर 100 लीटर पानी वो बाहर किसी फील्ड में डालते हैं तो यहाँ 10% इस्तेमाल होगा और क्रॉप दुगनी आएगी इसमें, क्वालिटी अच्छी आएगी, फ्रूट अच्छा आएगा, प्रोडक्शन अच्छी आएगी, रिटर्न्स डेफिनेटली, जब प्रोडक्शन डबल होगी तो रिटर्न्स ऑटोमेटिकली ज़्यादा होंगे। तो सर जैसे आपके पास यूनिवर्सिटी से बच्चे आते हैं यहाँ पे सीखने के लिए अपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, अगर हमारे किसान भाइयों में से किसी ने अपने बच्चों को आपके पास भेजना हो तो आप प्राइवेट ट्रेनिंग्स भी देते हैं? हाँ, हम यूनिवर्सिटी के साथ साथ यूनिवर्सिटी का एक जैसे एग्रीकल्चर जो डिग्री के लिए प्री रिक्विजिट है रावे प्रोग्राम जिसे कहते हैं, इंडस्ट्रियल अटैचमेंट या रूरल वर्क एक्सपीरियंस जो इनके लिए एग्रीकल्चर के लिए है, रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है, तो उसके बिना उनको डिग्री नहीं मिलती है। तो हमारे सेंटर पे चूँकि ये इस तरह का सिस्टम आपको कहीं नहीं मिलता है, तो दे प्रेफर टू कम ओवर अवर सेंटर टू लर्न द थिंग्स प्रैक्टिकली, है ना। थ्योरी प्रैक्टिकली हम दोनों करवाते हैं उनको, चाहे वो मशरूम का है, चाहे हाइड्रोपोनिक्स का है, चाहे प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन का है। तो उसमें हम छोटे से छोटा सेटअप कैसे करना है वो भी बताते हैं। हमारे अगर किसान भाई भी हमारे पास आना चाहते हैं तो हम उनके लिए कमर्शियल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यहाँ पे चलाते हैं उनके लिए, तो वो वहाँ मतलब वो 2 दिन का प्रोग्राम रहता है, उसमें वो लोग सीख सकते हैं। अगर कोई चाहे अपने किचन गार्डनिंग के लिए छोटा सा हाइड्रोपोनिक सिस्टम लगाना चाहें तो
तो जिसे मैं कहता हूँ आमतौर पर डब्बा हाइड्रोपोनिक्स, एक डब्बा लीजिए उसमें पानी डालिए, न्यूट्रिएंट डालिए और प्लांट्स लगा लीजिए उसमें। इससे क्या होता है, आदमी का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि मैंने थोड़े से मैं कर लिया हुआ है, तो उसके एक्सपेंड करने के लिए उसके लिए फिर वो कॉन्फिडेंस गेन करके वो खुद की मोटिवेशन से काम कर सकता है जी। तो ये हमारे पास हमारे साथ है मिस्टर यूसुफ खान जी, जिन्होंने एक छोटे से काम को बड़े तक ले जाने तक का आपको अपना सारा सफ़र भी बताया और उन्होंने ये भी बताया कि कैसे आप छोटे से शुरू करके एक बड़े लेवल तक जा सकते हैं। इसी तरीके से ऐसे ही शख्सियतों से मिलने के लिए बने रहिए मेरा फार्म हाउस चैनल के साथ। धन्यवाद।